नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आरक्षण एक ऐसा मुद्दा जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना है। आप किसी भी बड़े राजनीतिक चेहरे को देख लीजिए, आरक्षण के मुद्दे पर आपको अपनी प्रतिक्रिया देते वो नजर आ जाएंगे। और इसी बीच राहुल गांधी एक टिप्पणी करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, और बस उनका बोलना होता है कि बसपा सुप्रीमो मायावती उन पर हमलावर हो जाती है। मायावती जो कि उपचुनाव से पहले इस वक्त पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हो चुकी हैं, वो राहुल गांधी पर हमला बोल देती हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए पहले मायावती क्या कहती है हम आपको वो दिखाते हैं, उसके बाद कैसे आकाश आनंद मायावती के इस पोस्ट के बाद पूरी कांग्रेस को लपेट देते हैं, वो भी आपको दिखाएंगे। मायावती ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उन्होंने लिखा, कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी की अब ये सफाई कि वो आरक्षण के विरुद्ध नहीं है स्पष्टता, गुमराह करने वाली गलत बयानी। केंद्र में बीजेपी से पहले इनकी 10 साल रही सरकार में उनकी सक्रियता में इन्होंने सपा के साथ मिलकर एससी एसटी का पदोन्नति में आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, इसका ये प्रमाण। वहीं मायावती के इस पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आकाश आनंद ने एक्स पर पूरी की पूरी कांग्रेस को लपेट दिया। कांग्रेस पर हमलावर होते उन्होंने ये तक कह दिया कि जैसे जैसे लोकसभा का खुमार उतर रहा है, चुनाव का खुमार उतर रहा है, वैसे वैसे बहरूपिया कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ रहा है। एक्स पर आकाश आनंद ने क्या पोस्ट किया, चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। एक्स पर मायावती के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आकाश आनंद ने लिखा कि जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की खुमारी उतर रही है, बहरूपिया कांग्रेस का सच सामने आ रहा है। संविधान बचाने का नारा देकर कांग्रेस ने एससी एसटी और ओबीसी समाज को सिर्फ गुमराह किया है। बहुजन समाज के प्रति कांग्रेस की नजर और नियत दोनों हमेशा से खराब थी और आज भी है। याद रहे, संविधान हमारी पहचान, आरक्षण हमारी आजादी। तो आरक्षण का मुद्दा इस वक्त उपचुनाव का एक नया राजनीतिक मुद्दा बनता जा रहा है। जहां राहुल गांधी ने आरक्षण को लेकर अपनी बात कही, 50% आरक्षण तक वो बोल गए, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को कांग्रेस के पाले में नहीं जाने देना चाहते। उनका सीधे तौर पर कहना है कि ये कांग्रेस का बहरूपिया चेहरा सामने आ रहा है। बहरहाल आरक्षण को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पोस्ट किया, उसके बाद मायावती ने उन्हें घेरा और आकाश आनंद ने जबरदस्त हमला बोला है, उससे एक बात तो साफ है कि ये बड़ा चुनावी मुद्दा है जो आगे और गर्माएगा जरूर। आपका इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ। नमस्कार।